तो क्या हाल है दोस्तों, पेश करते हैं आपके सामने सवाल नंबर। तो सवाल नंबर 26वां हमारे पास है, यदि किसी व्रत में उसकी किसी लघु चाप का अंश 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना हुआ। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या सर्कल व्रत, तो और ये मान लो यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पे एक बिंदी है। अब पहले तो आप समझ लो लघु चाप और कौन सी चाप है, लघु चाप और दीर्घ चाप। तो लघु तो ये हो गई, देखो ये जो छोटी दिख रही है ये यहाँ पे ये चाप है, तो एक तो ये हो गई ये पूरी बड़ी, और एक हो गई ये छोटे वाली। तो जो छोटे वाली है ये हो गई लघु चाप। अब वो क्या बोल रहा है, जो लघु चाप है वो कितने डिग्री है, लघु चाप का अंश माप 70 डिग्री है। मतलब इसे यहाँ से मिलाएंगे, किससे, केंद्र से मिलाएंगे, तो ये कितना है 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री। तो जो बाकी का बचा वो क्या है, वो दीर्घ चाप का कोण है। तो ये कितना होता है, देखो अगर हम टोटल बना दें, ठीक है, ये टोटल जो होता है जो पूरा का पूरा होता है ये 360 का होता है, ठीक है, 360 का इसमें कोण होता है। तो 70 तो ये हो गया, तो ये जो हो गया जो बचा ये देखो कितना बचा, देखो ये ऐसे है, इस तरह से है। तो ये वो बता रहा है कि ये जो है ये 70 है, ये 70 है, तो जो बाकी का बचा वो कितना हो जाएगा, 360 होना चाहिए, पूरा जो गोला बनेगा कोण का वो 360 होना चाहिए। तो 70 तो ये है, तो बाकी कितना है, तो ये कितना हो गया 290 का। तो 290, देखो 290 प्लस 70 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360, ये 360 का होना चाहिए पूरा मिला के। अगर पेपर में 50 का आता है कि ये कोण दीर्घ लघु चाप का कोण 50 है, तो दीर्घ चाप का कितना कोण हो जाएगा, 360 में से 50 घटा दो तो कितना आ गया 310। ये कह रहा है ये 100 है, लघु चाप 100 है, तो 360 में से घटा देंगे तो 260 क्या आ गया, दीर्घ चाप का कोण आ गया। तो जो भी वो दे रहा है, लघु चाप दे रहा है या दीर्घ चाप दे रहा है, वो 360 में से घटा दो दूसरे का कोण आ जाएगा। अगला सवाल, तो हमारा 27वां सवाल है कि हमें 14-5x-x² का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड लिखने हैं, इसमें देखो गुणनखंड क्या होता है, मान लो मैं कहूँ कि 100 का गुणनखंड करना है, तो 100 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 10 × 10, या फिर लिख सकता हूँ 2 × 5 × 2 × 5, ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। मैं कहूँ कि 90 का गुणनखंड बताइए, तो मैं क्या करूँगा, 3 × 9 × 18 = 90, ये गुणनखंड हो जाते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि 90 को ऐसे लिखो, 2 से करेंगे 45, 5 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है गुणनखंड करने के लिए, है इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिसके पास सबसे ज़्यादा x है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसमें क्या है, इसके पास सबसे ज़्यादा x है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, इसके पास एक भी x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया क्या, -x² - 5x + 14। तो इसके पास 2x थे इसे पहले लिख लिया, इसके पास एक ही था, 2 से कम थे, इससे कम 14, इसके पास एक भी नहीं था। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, -x, तो -x के साथ में लगा देता हूँ एक, अगर मैंने एक लगा दे रहा हूँ तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक लगाने के बाद जो x² के साथ में कोई भी नंबर होगा, मान लो यहाँ पे 5 आ जाता, 5 वो दे देता कि -5x² दे देता इसकी जगह, तो यहाँ पे तो 5 पहले से ही है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने लगा लिया एक। अब हमें क्या करना है, जो ये x² के साथ में नंबर है और सबसे आखिरी वाला नंबर जिसके पास कोई भी x नहीं है, इन दोनों की गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आया, -14 आया। तो -14 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए -14 का गुणनखंड करेंगे
तो ये आ जाएगा, मैं पहले 2 से भाग करता हूँ तो आ गया -7, -7 को -7 से ही करना पड़ेगा भाग, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 और 7, तो हमें क्या करना है, देखो 2 और 7 आया हमारे पास, इसे माइनस को हटा देते हैं अभी, ठीक है, ये डिसाइड नहीं है ये किसके साथ आया। तो 2 और 7 आ गया, तो 2 और 7 को हमें इस तरह से देखना है कि इन्हें घटा, इन्हें जोड़ने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है, 5 आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि 7 में से अगर 2 घटा दूँ मैं तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है, तो मैं क्या करूँगा, -7 में से 2 जोड़ूँगा तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, तो मैंने इसके साइन बदल दिए। तो अब ये क्या हुआ, जो मेरे पास क्या आया, -7, मैंने लिख लिया -7 और क्या, +2, इनके साथ में मैं x चिपका दे रहा हूँ। तो देखो अगर मैं -7x में से 2x जोड़ूँगा तो ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। अब क्या करेंगे, जो बाकी के नंबर हैं वो ऐसे कैसे इनके साथ लिख दो, यहाँ तो यहाँ पे क्या था, -1x² और यहाँ पे क्या था, 14, तो मैंने लिख दिया। अब देखेंगे इनमें से कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, x है और माइनस है, -1 और x दोनों में है, तो मैंने लिख लिया -1 और x जो दोनों में है। बाकी जो बचा, यहाँ पे क्या है, 1x एक्स्ट्रा था वो लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, -7 था वो लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी देखूँगा कि दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 दोनों में है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 7, और यहाँ पे भी +7 आना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब क्या है, जो आ गया हमारे पास उसे लिख लेंगे, ये दोनों में है तो ये हमने लिख लिया। अब जो बाकी बचा उसके लिए भी अलग से ब्रैकेट बना देंगे, मतलब मैंने लिख लिया 2 -1x या 2 - x, 1 को हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो अगला सवाल, तो हमारे पास x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो किससे भाग देना है, x + 3 से भाग देना है, ठीक है, x + 3 से भाग देना है। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे कि हम सिंपल तरीके से भाग करते हैं, कोई भी 5 को 12 से 12 को 2 से, तो इस तरह से ही हम इसको भाग करेंगे। तो इसमें बस क्या ध्यान रखना है हमें, कि इसका जो पहला नंबर है, मतलब पहला क्या है, x है, इसको देखना है और इसको देखना है, बाकी को नज़रअंदाज कर देना है। तो अगर हमें x को x² बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसे x से गुणा कर देंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, तो ये हो गया। अगर मैं इसमें गुणा करूँगा, x की गुणा इससे कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, x की गुणा x में करूँगा तो x², फिर x की गुणा 3 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3x, ठीक है, ये इसमें से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, जो साइन है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ दोनों प्लस के तो ये माइनस के हो गए, तो ये कट गया, और 8 में से 3 गए तो ये कितना बचा, 5x, जो बचा ये 17, ये नीचे उतार लेंगे तो +17। अब हमें क्या करना है, वही जैसे हमने पहले किया था, सिर्फ पहले वाला देखना है, इसमें पहले वाला देखना है, इसमें पहले वाला देखना है। तो x को क्या करें कि 5x बन जाए, तो x ही गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 5x बन जाएगा, तो हमने गुणा कर दी 5 से, तो 5 की गुणा x से करेंगे तो क्या आ गया, 5x, फिर 5 की गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ गया, 15, फिर से इसे माइनस करेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा, तो 17 में से 15 गए, कितना बचा, 2, तो 2 हमारा क्या बच गया, शेषफल। अगला सवाल, तो अगला सवाल जो है हमारा, वह किसी कक्षा में 8 बालिकाओं
की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है। आंकड़ों में मध्यामिका ज्ञात कीजिए। तो हमें मध्यामिका ज्ञात करनी है इसमें, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे इसे, मतलब कि छोटे से बड़े की ओर इन नंबर को अरेंज कर लेंगे। तो इनमें सबसे छोटा क्या है, 133 है, तो मैंने लिखा 133। उसके बाद क्या है, 134 नहीं है, 135 है, 136 नहीं है, 137 है, 138, 138 है, 139 नहीं है, 140 है, 141 नहीं है, 142 है, और फिर क्या है, 142 के बाद क्या है, 148 है, 148 है, फिर क्या है, 150 है, ये है। तो ये टोटल कितने हैं, 3, 3, 6, 7, 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। अब इसमें देखेंगे बीच में क्या है, ये दोनों बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का नंबर हमें बताना है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, 139 इसका बीच में है, तो ये मध्यामिका हो गया। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ आपको, देखो अगर मैं लिखता हूँ 3, 5, 7, 8, 10, ठीक है। अब इसमें क्या है, मध्यामिका में बीच में क्या है, 7, एक ही नंबर है 7, तो अब इसमें 7 ही मध्यामिका हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 2, 5, 8, 7, 9, 11, अब देखो इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, इसका मतलब है बीच के जो दो है वो सबसे बीच में ही आ रहे हैं। तो अब हम इनका मध्यामिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो 8, 9, 11, 13, ये है। तो इसमें जो बीच में है, ये बढ़ते क्रम में है पहले से ही, तो जो बीच में है वो कितना है, 8 और 9 है। तो इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, देखो इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 8.5। इसे निकालने का ये तरीका है, अगर बीच में दो नंबर आ जाते हैं तो दोनों को जोड़ लो, 8 + 9 जोड़ लो और 2 से भाग कर दो, तो ये कितना आ गया, 17/2, 17/2 मतलब कि 8.5, तो 8.5 इसकी मध्यामिका हो जाएगी। तो अगर दो नंबर आते हैं बीच में तो उन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग कर लो। अगर मैं इन्हें भी आपको जोड़ के दिखाऊं, 138 + 140, 8, 7, 2, फिर 2 से भाग कर रहा हूं मैं, तो 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 9 आ जाता है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो अगर बीच में दो नंबर है तो, अगर बीच में सिर्फ एक ही आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मध्यामिका हो जाएगा। छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना मत भूलना, कि ये सबसे छोटा है उसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है, ये मध्यामिका हो जाता है। अगले सवाल की तरफ, तो अगला सवाल है, वाहक चेक किसे कहते हैं। वह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार के हस्ताक्षर आवश्यक है। मतलब कि अगर जैसे कि मेरा कोई अकाउंट है बैंक में, किसी भी बैंक में, मैं एक चेक लिखता हूँ, चेक में मैं उसका नाम लिखता हूँ और मैं उसकी धनराशि लिखता हूँ और फिर नीचे कर देता हूँ अपने साइन, तो वो क्या करेगा बंदा, उस चेक को ले जाएगा और वो जाके खुद भी बैंक में उसे कैश करा सकता है, या फिर अपनी जगह किसी और को भेज के भी उस चेक को दे के वो उसे करा सकता है, उसे ही वाहक चेक कहते हैं। तो अब क्या हो गया, 30 सवाल हो गए यहाँ पे, तो इसके बाद 31 से आगे के मैं अगले क्लास में कराऊंगा, तब तक के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। तो एक और बात, कि अगर आपने नहीं देखी है अभी तक भी बेसिक मैथ की या मैथ के आधार की प्लेलिस्ट, तो देख लीजिएगा। दूसरी बात, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी सवाल में, कोई भी डाउट है, कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, परेशानी आ रही है, कुछ भी वीडियो को लेके या लेक्चर को लेके या फिर सवाल को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि अपनी समस्या बता सकें, ठीक है। तो
अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।